नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू वर्मा, पेपर हैकर में का स्वागत है। तो यहाँ पे आपके लिए मिलिट्री सीज का पार्ट थर्ड का थर्ड पेपर यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है, जो कि आपका 95% भूमिका निभाता है आपके एग्जाम में। जी हाँ, 95% भूमिका निभाता है मिलिट्री सीज का पार्ट थर्ड का थर्ड पेपर यहाँ पे आपके लिए प्रोवाइड किया जा रहा है। तो देख लेते हैं क्वेश्चनों को, लघु उत्तरी क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो कह रहा है, युद्ध और राजनीति में क्या संबंध है, राजनीति का क्या संबंध है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, युद्ध और राजनीति का क्या संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो समग्र युद्ध के प्रभाव बताइए। जी हाँ, समग्र युद्ध के जो प्रभाव हैं उनको आपको यहाँ पे बताना है। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सीमित युद्ध पर टिप्पणी लिखिए। जी हाँ, सीमित युद्ध पर आपके लिए टिप्पणी लिखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 95% ये भूमिका आपके निभाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपके लिए सारे की सारे देखने को मिलेंगे। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मनोवैज्ञानिक युद्ध के उद्देश्य एवं कार्य बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो त्वरित युद्ध का समर तंत्र क्या है। जी हाँ, त्वरित युद्ध का समर तंत्र क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्लार्ट्ज ने युद्ध नीति के संबंध में क्या कहा है। जो क्लार्ट्ज हैं उन्होंने युद्ध नीति के संबंध में क्या कहा आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो महान स्ट्रेटजी की विवेचना कीजिए, महान स्ट्रेटजी की विवेचना कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोरिल्ला युद्ध या छापमार युद्ध भी इसे कहते हैं। जी हाँ, गोरिल्ला युद्ध का क्या अभिप्राय है। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, युद्ध का अर्थ समझाइए। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नाभिकीय युद्ध क्या है। ये आपके लघु उत्तरीय क्वेश्चन हो जाते हैं, लघु उत्तरीय क्वेश्चन हो जाते हैं। जी हाँ, यहाँ से आपके लिए सारे के सारे लघु उत्तरीय क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहाँ से आपके लिए 5 क्वेश्चन इस में से ही आपके लिए एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो यह क्वेश्चन अच्छे प्रकार से रट लीजिएगा और इनके जो आंसर हैं उन्हें अच्छे प्रकार से रिवीजिंग कीजिएगा। जी हाँ, आप दीर्घ क्वेश्चन की ओर आते हैं, तो दीर्घ क्वेश्चन की ओर देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात करते हैं, युद्ध कितने प्रकार के होते हैं, अपरंपरागत युद्ध से आप क्या समझते हैं, वर्णन कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो छापामार युद्ध क्या है, छापामार युद्ध के संबंध में माउथ से तुम के विचार व्यक्त कीजिए। जी हाँ, इनकी परिभाषाएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कोई भी अगर आपका जो वैज्ञानिक आता है, जी हाँ, इसका विचारक आता है, जी हाँ, जो भी आपका जो माउथ से तुम है, इन्हें युद्ध की, छापामार युद्ध के बारे में क्या परिभाषा दी है, इसके बारे में डिटेल में लिखना है और परिभाषा भी आपके लिए याद करना है। परिभाषाएं बहुत ही अच्छी भूमिका निभाती हैं आपके एग्जाम में। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो जनरल फूलर की पक्षाघात युद्ध नीति की विवेचना कीजिए। जो जनरल फूल हैं उनकी पक्षाघात युद्ध नीति के बारे में विवेचना कीजिए। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भू स्थित जी और एवं राजनीति में क्या संबंध है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भैया दोहन की युद्ध नीति क्या है, भैया दोहन के आवश्यक तत्व की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्लार्ट्ज के स्थापित विचारों की समीक्षा कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरल सनतजू की सैन्य विचारों की समीक्षा कीजिए, जनरल सनतजू की सैन्य विचारों की समीक्षा कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, समरतंत्र का अर्थ स्पष्ट कीजिए, समरतंत्र की भूमिका की विवेचना कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, युद्ध को परिभाषित कीजिए तथा युद्ध के कारणों पर प्रकाश डालिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मनोवैज्ञानिक युद्ध से क्या तात्पर्य है, मनोवैज्ञानिक युद्ध के कौन कौन से साधन हैं। जी हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके हो जाते हैं। यहाँ पे हमने दीर्घ क्वेश्चन देखे, लघु क्वेश्चन देखे, ये आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। यहाँ से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, वैसे तो आपके 7 से 8 क्वेश्चन इसी में से ही देखने को आपको मिलेंगे, क्योंकि 99% की बात कर रहा हूँ तो 95% तो बिल्कुल आपके एग्जाम में यहाँ से देखने को मिलेंगे। जी हाँ, सारे के सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर इतने क्वेश्चन आपने अच्छे प्रकार से रिविजिंग कर लिए, ठीक है, इनका आंसर जो है, इनकी जो थ्योरी है, व्याख्या है, उसे अच्छे प्रकार से पढ़ लीजिएगा और आपका 95% मैं गारंटी के साथ कहता हूँ यहाँ से फंसेगा, क्योंकि 99% हमने 2019 का, जी हाँ, 2019 का रिजल्ट दिया है। जी हाँ, आपने अगर जुड़े होंगे तो स्टडी विद सन हमारा पहला चैनल था, स्टडी विद सन। जी हाँ, उसमें हमारे 50 सब्सक्राइब होने वाले थे, मगर कुछ कारण बस वह पेंडिंग में डाल दिया गया है। जी हाँ, वह पेंडिंग में डाल दिया गया, इसलिए हमारे लिए नया जो चैनल यहाँ पे आपके लिए खोला गया है। जी हाँ, आपके लिए यहाँ पे बहुत ही अच्छी प्रकार की कंपटीशन से रिलेटेड इंटर, हाई स्कूल,
ठीक है, इंटर हाई स्कूल की यहाँ पे आपके लिए रिविजन की आती है, और बीएससी के लिए तो आपके लिए बहुत ही अच्छा स्कोर दिया जाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, बीएससी, बीए और एमएससी के लिए बहुत ही अच्छा स्कोर दिया जाता है। तो बने रहिएगा, जुड़ जाइएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल की, और शेयर कर दीजिएगा हमारी वीडियो के लिए। जी हाँ फ्रेंड्स, शेयर कर दीजिए वीडियो के लिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जो कि हमारा जो भी वीडियो आपके लिए हम अपने चैनल पर प्रोवाइड किए हैं तो वो उससे पहले, चैनल से पहले आपके लिए प्रोवाइड हो जाए। जी हाँ फ्रेंड्स, तो जय हिंद, जय भारत।